close till I get up. Time is barely on our side. अरे वाह, वेरी गुड. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप सब कैसे हो जरूर बताना. और पानी समर है इसलिए बार बार चाहिए, तो हम थोड़े थोड़े अंतर में पानी पीते रहते हैं. तो चलो, आज है 3 मई और आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी. हमारे 12 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 13 स्टार्ट हो गया है. तो चलो, कौशिक तो चले गए फर्स्ट ट्रिप में. दोपहर के लंच में हम कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे, क्योंकि शाम को हैवी खाना है. शाम को हम बनाएंगे काजू करी और नान बनाएंगे. और काजू करी की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, नान की फिर भी और वीडियो में डाल दूंगी रेसिपी उसकी. आज नहीं शूट करूंगी नान की रेसिपी. वेद की क्लास तो ख़त्म हो गए हैं, वो होमवर्क करने बैठा है. वो ख़त्म करने के बाद वो वॉक करने जाएगा, फिर नहाने जाएगा, फिर चेंज करेगा, फिर वीडियो में आएगा. तब तक नहीं आएगा. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने बालों को बांध बांध लिया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो खुले नहीं रख सकते, बहुत ही गर्मी लगती है. और हमने कल बनाया था अमेरिकन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको. दो डब्बे भर के बनाए हैं मैंने. गर्मियाँ है ना, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है. देखो जम गया है पूरी अच्छे से. ये पूरा 1 लीटर का बनाया है मैंने. कौशिक 3-4 बजे आएंगे ना, तब खाएंगे. अभी नहीं खाएंगे, और थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, क्योंकि गले में प्रॉब्लम ना हो कुछ. तो चलो ये था, और बाकी कुछ होगा तो दिखाऊंगी, वरना रेसिपी लंबी हो जाएगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत कुछ नहीं दिखा रही हूँ मैं इस वीडियो में. तो चलो ये रख देती हूँ फिर से, और वेद को 2 चम्मच खाने हो तो दे देती हूँ. इसे खाना ही है, इसे देखो पीछे खड़ा है. तो चलो मिलते हैं बाद में, इसे दे देती हूँ मैं. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna love. चलो मैं अंदर आ गई हूँ, और अब मैं सोने चाहूँगी एडिटिंग करने के बाद. और उठकर सीधा ही 5:30 बजे मैं किचन में मिलूँगी आपको, क्योंकि 5:30 बजे मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी. क्योंकि आज कौशिक फर्स्ट में गए हैं, तो रात को डिनर हमारा जल्दी होगा. और आप लोग शॉर्ट देख रहे हो कि नहीं मेरे, क्योंकि शॉर्ट मुझे सब्सक्राइबर दे रहे हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ अभी. बहुत ही वायरल हो रहा है मेरे शॉर्ट्स, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त. क्योंकि सब्सक्राइबर जब तक आपके नहीं हो गए, तो आपको काम करने का मज़ा नहीं आएगा. तो सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो काम करने का भी इतना मज़ा आएगा. तो चलो वही मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा व्लॉग 1 दिन के बाद आता है, वो मैं 2 दिन के बाद डाल रही हूँ. सुबह और शाम दिन में 2 बार मेरे शॉर्ट्स आते हैं. सुबह मेरे 10 से 1 के बजे आता है, और शाम को 4 के 7 बजे तक आ जाएगा. क्योंकि जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं डाल रही हूँ. अभी तो कोई शेड्यूल शॉर्ट का मैंने बहुत फिक्स नहीं किया है, यही रहता है. क्योंकि वेद का भी रहता है मुझे होमवर्क करवाना. ये शॉर्ट में जब से डाल रही हूँ, तब से वेद को होमवर्क करवाना मुझे दिक्कत हो गया है. मैं सोच रही हूँ ये 2 दिन छोड़ के मैं ब्लॉग डालूँ. तो चलो मिलते हैं शाम को, और सीधा किचन में. वेद तो आया ही नहीं आज सुबह से. क्या
क्योंकि आज इतना सारा होमवर्क आया था, बहुत सारा, अभी तक वो करने लगा। सुबह से 9 बजे से लेकर 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट की देरी है, तब तक वेद का होमवर्क चला आज। तो वेद आज पूरा दिन बिजी था होमवर्क करने में, है ना? हाँ, अभी खत्म हुआ। साइंस का आया था और किसका? SST। SST का, हाँ था इतना सारा। तो चलो कोशिश कभी आएंगे, 10 मिनट की देरी है आने में, और फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर किचन में जाएंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। काजू करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी काजू ले लिए है, और इसे हमें फ्राई नहीं करना है, हमें इसे उबालना है 10 मिनट के लिए। तो चलो पहले इसे उबालने रख देते हैं गैस पर। हमें काजू करी में सॉफ्ट काजू ही पसंद है, इसलिए मैं उबाल देती हूँ 10 मिनट के लिए। इसे हम दूसरे गैस पर ले लेते हैं और आगे ग्रेवी की तैयारी करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पॉपी सीड्स और 1 चम्मच वाटरमेलन सीड्स और काजू को भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए, तो वो मैंने पहले कर दिया था। और अनियन है, टमाटर है और हरी मिर्च। तो चलो पहले अनियन डालते हैं। इसे हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है। चलो थोड़ा कलर चेंज हो गया है और थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं हमारे अनियन, तो उसके बाद हम ये टमाटर डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ हमें हरी मिर्च भी डालेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है, ये सॉफ्ट हो जाए अनियन टमाटर। चलो चेक कर लेते हैं। हम इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी आगे भी डालना है इसलिए। चलो फिर से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है इसे। चलो काजू हमारे सेम हो गए हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, देखो। चलो 5 मिनट हो गए, देख लेते हैं। ये जो गलाया था वो डाल देंगे, काजू और पॉपी सीड्स और वाटरमेलन सीड्स का मिश्रण। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे कलर के लिए। चलो गैस बंद कर देते हैं, ये सॉफ्ट हो गया है। ठंडा होने के बाद हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। चलो तड़के की तैयारी करती है, और यहाँ पर मैंने ऑयल और घी दोनों ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे और तेज पत्ता डाला है। चलो थोड़ा सा जीरा लेंगे। थोड़ी सी हींग, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चलो इसी के साथ ही हम ग्रेवी डालेंगे। चलो मिक्स कर लेते हैं। हमने जो ग्रेवी बनाई थी वही डाल दी थी मैंने। इसे 5 मिनट के लिए हमें पकने देना है। चलो 5 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। चलो इसमें सारे स्पाइसेस कर देते हैं अभी हम। चलो नमक ले लेते हैं। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। मिक्स कर देंगे।
और यहाँ पर किचन किंग मसाला और गरम मसाला वो भी ले लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलो मिक्स कर दिया है, अभी से हमें 10 मिनट के लिए कुक होने देना है धीमी आंच पर। चलो देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। चलो हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। ग्रेवी आपको जैसी रखनी है वैसे पतली गाढ़ी हम मीडियम रखेंगे। उसके साथ ही हम घर की बनी हुई मलाई लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। चलो 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। अब इसमें हम ये काजू डालेंगे जो हमने बॉइल्ड किए हुए थे वो, और ये बटर लेंगे। बटर डालना बहुत अच्छा लगता है इसमें। और ये कसूरी मेथी जो हमने भून ली थी और क्रश कर ली है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे, 5 मिनट के लिए और रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। चलो हमारी सब्जी बनकर तैयार है। धनिया पत्ती डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो चलो बनके तैयार है काजू करी। चलो 6 बज चुके हैं और आज का एनिवर्सरी वाला दिन हमारा कुछ ऐसा गुजरा है। सेलिब्रेशन बाहर जाकर नहीं करेंगे, घर पर ही बनाया है। काजू करी और गेहूं के आटे की नान वो भी बनाएंगे। उसका आटा मैंने अभी मुझे गूंदना है, उसकी रेसिपी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।